आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन शैली का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। आज भी इस शैली के उपचार से बड़े बड़े रोगों को ठीक किया जा रहा है। आयुर्वेद के इसी महत्व को आगे बढ़ाने व जागरूक करने के उद्देश्य से दिल्ली के शालीमार बाग में आयुर्वेद महोत्सव का शानदार व सफल कार्यक्रम संध्यासिनी मेडिसिटी संस्था द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेद से जुड़े कई बड़े बड़े वैद्य व डॉक्टर सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके साथ ही आए हुए सम्मानित अतिथियों का स्वागत भी किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायिका वंदना कुमारी, तिलक राज कटारिया, वैद्य मनोहर लाल, डॉक्टर आर पी परासर, वैद्य पीयूष जुनेजा, वैद्य ताराचंद, वैद्य बालकृष्ण, संध्यासिनी मेडिसिटी के चेयरमैन सत्य नारायण गुप्ता, सीईओ डॉक्टर विकास गुप्ता, डायरेक्टर डॉक्टर रजनी गुप्ता प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए। सभी आए हुए अतिथियों ने अपने अपने संबोधन के माध्यम से पंचकर्मा के माध्यम से किस तरह से सभी रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं संध्या मेडिसिटी ग्रुप को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने आयुर्वेद का अमृत महोत्सव बनाकर एक बहुत अच्छी पहल की है और इनकी एक पहल पर उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली और आयुर्वेद एक उन्नत पद्धति है और जिसके अनुसरण से जिसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, उसका अनुसरण जितनी मात्रा में बढ़ेगा समाज स्वस्थ होगा और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ परंपरा का निर्वाह कर सकता है। तो मैं इस अवसर पर ये कामना करता हूँ कि आयुर्वेद जीवन पद्धति के प्रति समाज के अंदर आकर्षण बढ़े और हम अपनी जीवन शैली को अंदर उसका स्थान निर्माण करें, इतनी मेरी कामना है। मैं वैद्य तारा सिंह शर्मा रोहिणी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और निखिल भारतवर्षीय आयुर्विद्यापीठ का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का नेशनल प्रोफेसर हूँ। दो बच्चे पढ़ने आते हैं और तो मेरी अपनी पुस्तकें काफ़ी है, 40-45 जो पूरे इंडिया में लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं आयुर्वेद में। आज का कार्यक्रम जो था वो आयुर्वेद जोड़ो, आयुर्वेद बढ़ाओ, आयुर्वेद प्रगति करो, इसके संबंध में था। तो उसमें पंचकर्म के भी लोग आए थे और गायनी से भी थे और साथ में चिकित्सक भी अच्छे थे। तो सबने यही कहा कि भाई आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए आयुर्वेद जो है उसकी चिकित्सा करो, आयुर्वेद के लिए लोगों को अवेयरनेस लोगों में करो, स्वस्थ कैसे रहे इसकी जानकारी दो। मेरा नाम मनोहर लाल, वैद्य मनोहर लाल शर्मा, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ और आज संध्या मेडिसिटी फाउंडेशन में ये प्रोग्राम हुआ जो कि बहुत ही अच्छा और इसमें पंचकर्मा का ज्ञान दिया गया जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा और जल्दी से स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर पंचकर्मा नहीं होता है तो शरीर की शुद्धि नहीं होती है और दवाइयाँ कार्य नहीं करती है और तो बीमारी ठीक होने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। और यहाँ पर बहुत से वैद्य आए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं जिनको बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये संध्या मेडिसिटी एक ऐसी संस्था, ऐसा फाउंडेशन है जिसने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए अपना ये बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है और इससे वैद्यों को बहुत हौसला मिलेगा, डॉक्टरों को हौसला मिलेगा तथा उनको सीखने वालों को बहुत हौसला मिलेगा और बगैर दवाइयों के भी पब्लिक को, जनता को ठीक होने में मदद मिलेगी। और मैं वैद्य पीयूष जुनेजा, फाउंडर इंडियन वैद्य.com,
आज संध्या मेडिसिटी के द्वारा जो आयुर्वेद पर्व यहाँ पे आयोजित किया गया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। आज का 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ पे जुड़े एंड हमारा जो प्लेटफॉर्म indianwellness.com वो भारत का पहला प्लेटफॉर्म है जो करीब 30 से ज़्यादा शहरों में गूगल के फर्स्ट पेज पे लिस्टेड है। एंड कोई भी पेशेंट या कोई भी जनमानस अगर अपने आस पास आयुर्वेद डॉक्टर्स को ढूंढना चाहता है तो उसको इसमें टाइप करना है और हमारे पास 1,00,000 से ज़्यादा आयुर्वेद डॉक्टर्स पूरे हिंदुस्तान के 773 जिलों से जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एंड हम भारत सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दायित्व दिया कि गाजियाबाद और हापुड़ के सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को भी गूगल पे लिस्ट किया जाए और उनको सोशल मीडिया पे एक्टिवेट किया जाए। तो हम डिजिटल लिस्टिंग और गूगल लिस्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पूरे विश्व में आयुर्वेद को, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, वैद्यास को पहुँचाना जा रहे हैं। जो हमारा हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि आयुर्वेद को पूरे विश्व में स्थापित किया जाए, उसमें हम एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन अपने वेबसाइट अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं और इसको हम निरंतर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, प्रोप्राइटर संजीवनी मेडिकल इक्विपमेंट्स दिल्ली। आज के इस प्रोग्राम को देख के और अटेंड करके मुझे काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें आयुर्वेद के बारे में मालूम हुई और मैं ऑर्गेनाइजर्स का थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से और इतनी अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। विजय कुमार चौरसिया, संध्या मेडिसिटी और संध्याशी हॉस्पिटल का फाउंडर मेंबर हूं। डॉक्टर विकास के साथ कई साल पहले हम लोगों ने ये पौधा लगाया था जो आज पल्लवित हो रहा है। आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, हमें जो सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है आप लोगों के पैनल के लोगों को सेवा करने के लिए, हमें उसका अवसर प्रदान करें। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम इस जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है हम उसको परे उतर सकें। कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ये अब हमारा लगाया हुआ पौधा अब पूर्ण रूप से पल्लवित हो रहा है, इसकी मुझे बहुत हार्दिक खुशी है। धन्यवाद। 4 से 5 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संध्यासिनी मेडिसिटी अपनी चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से कई सारे रोगों का उपचार कर रही है, जिसमें घुटनों का दर्द, बवासीर, महिलाओं से संबंधित बीमारियां, तनाव, किडनी, लीवर, IVF, फर्टिलिटी जैसे कई उपचार प्राकृतिक चिकित्सा व नई तकनीकी संसाधनों के माध्यम से कर रहे हैं। इस मौके पर कई डॉक्टर व स्टूडेंट को सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहा संध्यासिनी मेडिसिटी के अधिकारियों ने। मेरा नाम डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या मेडिसिटी से CEO ऑफ संध्या मेडिसिटी। आज का हमारा प्रोग्राम आयुर्वेद महोत्सव, जिसके अंदर हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जिस प्रकार एंड्रॉइड मोबाइल में काम करता है ऐसे संध्या मेडिसिटी काम कर रही है, जहाँ पर डॉक्टर आकर अपने ज्ञान को लोगों तक साझा करें, जहाँ कस्टमर भी है और बाहर भी। आयुर्वेदिक संस्थानों को नई ऊंचाइयाँ छुआने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए संध्या हेल्थ मेनिया जो एक IVF कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसका भी समावेश, संध्या मदर फाउंडेशन जो कोर्सेज हमारे देश के अंदर जो युवा है उनको आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपिस्ट पंचकर्मा की डिटेल्स के बारे में जानकारी देने के लिए सत्ता को बनाया गया। इसके अलावा आयु गुरुकुलम जो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, डॉक्टर अपनी जानकारी को लोगों तक साझा कर सकते हैं और उनके साथ में संध्या हर्बल ऑर्गेनिक, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की रिसर्च मेडिसिन हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और आप सब लोगों का इस प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। संध्या मेडिसिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आयुर्वेदा में, जिसमें घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना है हमें, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिसको हमने किट फॉर्म में जनरेट किया हुआ है, जिससे कि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स रहती हैं इसकी डिलीवरी हमारी ऑनलाइन भी रहती है। आपको सिम्टम्स क्लिक करने हैं, हमारे डॉक्टर वीडियो कॉलिंग पे आपका प्रगति एनालिसिस करेंगे, नाड़ी परीक्षण एनालिसिस करेंगे, वात पित्त कफ के तीनों ही दोषास के बारे में जानने के बाद आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ साथ डाइट चार्ट दिया जाता है, योगा और एक्सरसाइजेस पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से कौन कौन सी करनी चाहिए। इसमें हमारे पास अगर पाइल्स फिशर फिस्टुला की किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए आयुर्वेदा में क्षार सूत्र सर्जरी की जाती है, जो हमारे संध्यांशी हॉस्पिटल में क्षार सूत्र विधि से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हो
इसके लिए संध्या मेडिसिटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स गर्भ नमस्कार की विधि से और उत्तर बस्ती की विधि से आपकी आने वाली प्रोजेनी कैसे स्वस्थ पैदा हो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने प्लस टू पास कर लिया है और अपना करियर आयुर्वेदा में बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमारा एक ग्रुप है संध्या रमन आधार फाउंडेशन, जिसमें स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा के रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर करवाया जाता है। पंचकर्म विधि से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, वमन विरेचन बस्ती नस्यम शिरो विरेचन, ये ऐसी विधियाँ हैं जिनको एक स्वस्थ इंसान भी ले सकता है। इसको लेने से हमारी बॉडी का प्यूरिफिकेशन होगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी और हम ज़्यादा लंबे टाइम तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो संध्या मेडिसिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर अपना क्लिनिक को अच्छे से रन करना चाहते हैं, उसको कैसे बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी स्पेशल टीम काम कर रही है, जिसमें आयुर्वेद के प्रॉपर प्रोटोकॉल और रिसर्च टेबल टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ साथ संध्या मेडिसिटी में क्रॉनिक डिजीजेज पे हमारे जो रिजॉर्ट है संध्या हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट और संध्या जानी देवी छवर जो जोधपुर में है, वहाँ पे क्रॉनिक डिजीजेज पे काम किया जा रहा है आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक की तरह। हमने कैसे आप अगर आपको किडनी डिजीजेज है या पैरालिसिस है, क्रॉनिक डिजीजेज है, कैंसर की कंडीशंस है, उसमें पंचकर्म का सहारा लेके आप अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं, इन सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो हम अपनी ही किडनी को रिजुविनेट कर सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करके, जिसके लिए संध्या जानी देवी झवर पे आप जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सत्यन गुप्ता, चेयरमैन आप संध्या मेडिसिटी और संध्या ग्रुप, और मैं आए हुए सभी आगंतुक का, सभी डॉक्टर्स का, सभी फॉलोअर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि जन जन तक ये आयुर्वेद जाए, और हमारे जो डायरेक्टर मिस्टर विकास गुप्ता जी हैं, पहले MBBS करना चाहते थे, सौभाग्यशाली मैं हूँ कि मेरे पुत्र हैं, इन्होंने आयुर्वेद को चुना और आयुर्वेद के फील्ड में इतना काम करते, मुझे बड़ा स्वाभिमान मिलता है जब हमसे सारे डॉक्टर्स मिलते आते हैं, कि मैं सोचता था एक डॉक्टर का बाप, लेकिन यहाँ तो मेरे को करोड़ों डॉक्टर मिल गए जिनका मैं स्वतः पिता तुल्य हूँ। और मैं सबको बधाई देता हूँ कि यहाँ आने वाले को, और सभी जो आयुर्वेद में हैं जिस फील्ड में हैं आगे बढ़े, हमारी सबको अपना हार्दिक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।